हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो से पहले के जो दो वीडियोस थे इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन पार्ट वन पार्ट टू, इसमें हमने दो एग्जांपल्स देखे 1 एंड 2, जिसके जरिए भैया ये ब्लॉकचेन क्या होता है बेसिक आइडिया तो अपन सबको आ चुका है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक तरीके से एक प्रॉपर ऑफिशियल डेफिनेशन जो है वो आपके सामने में रखने की यहाँ पे कोशिश करने वाला हूं। एज यूजुअल आपका कम से कम समय लूंगा, अपने तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश यहाँ पे मेरे इस वीडियो में रहने वाली। तो देखो यार ब्लॉकचेन ये अगर आप शब्द भी इंटरनेट पर सर्च करोगे ना तो अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको अलग अलग ढेर सारी जो है डेफिनेशंस इसकी देखने को मिल जाएंगी। सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखने को मिल जाएंगी, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी वैरायटी मार्केट में घूम रही है ओके, बट उन सभी में कुछ कॉमन मुद्दे हैं, कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, या फिर मैं यूं कहूं कुछ कॉमन कीवर्ड्स हैं उन सभी डेफिनेशंस में जिनको मैंने यहां पे लिस्ट डाउन किया है। एक एक करके उनके बारे में जानेंगे और उसके जरिए ब्लॉकचेन को हम लोग डिफाइन करेंगे बेहतर तरीके से समझने की जो यहां पे कोशिश हम करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला जो कीवर्ड यहां पे निकल के आता है वो है ओपन, ओपन टू ऑल, लाइक दैट एक्सेसिबल टू ऑल, वट एवर द ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो हो रही है ऑब्वियसली वो ओपन टू ऑल यहाँ पे एक्सेसिबल टू ऑल होनी चाहिए। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दू, एक रिलेटेबल एग्जाम्पल जिससे कि आपको बढ़िया तरीके से पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखो यार व्हाट्सएप ग्रुप्स के बारे में अपन सबको पता है, किसी ना किसी ग्रुप में तो अपन होंगे ही यार, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं। तो वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मान लीजिए किसी एक उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट ने जो कि उस ग्रुप में मौजूद है जिसमें आप भी हो, उसने क्या किया, एक पार्टिसिपेंट ने कुछ मैसेज डाला, कुछ तो एक मैसेज डाला, तो ऑब्वियसली बात है उस ग्रुप में जितने मेंबर्स होंगे वो मैसेज उन सभी को एक्सेसिबल होगा, सब देख सकते हैं, मैसेज को पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं, वो जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि यहां पे भी जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, मशीन्स हैं, उसके लिए क्या होगा, वो जो इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शंस है, वो एक तरीके से एक्सेसिबल फॉर ऑल यहां पे रहने वाला है। ये पहली बात अपने को समझनी है। दूसरी बात है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये नेचर के बारे में तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं जब मैं एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू समझा रहा था, वहां पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पे सेंट्रलाइज्ड वाला फंडा चलता नहीं है बिकॉज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का बहुत बड़ा खतरा यहां पे होता है ओके। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम यहां पर डिसेंट्रलाइज्ड नेचर अपनाते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर अपनाते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर एप्लीकेशन। लेकिन एक बात तो तय है, सेंट्रलाइज्ड का नामो निशान यहां पर नहीं देखने को मिलेगा, इट विल बी डिसेंट्रलाइज्ड इधर और इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट दैट यू कैन ऑब्जर्व इन द ब्लॉकचेन। उसके बाद आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर, लेजर। तो यहां पे ये जो लेजर है इसको आप पब्लिक लेजर कह सकते हो, एक लोकल कॉपी कह सकते हो, ये आपका ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन इज नथिंग बट व्हाट, अ पब्लिक लेजर जो कि हर एक पार्टिसिपेंट जो आपके उस नेटवर्क में है, एग्जिस्ट करता है, कनेक्टेड है, उस हर एक पार्टिसिपेंट के हाथ में या फिर उसके पास आप कह सकते हो लिटरली उसके पास एक लोकल कॉपी होती है बराबर, कि भैया जो भी तामझाम इस नेटवर्क के अंदर चल रहा है वो उसके लोकल कॉपी में भी उसको दिखने वाला है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपको यहां पे रखनी है इस डेफिनेशन में ऑफ द ब्लॉकचेन, लेजर, ठीक है। उसके बाद आते हैं एफिशिएंट, यस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये जो भी तामझाम हो रहा है, ये जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, ये जो भी ट्रांजेक्शंस का जो इंफॉर्मेशन है वो जो कलेक्ट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, ये बड़ा ही एफिशियंटली होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ मैं बात कर रहा हूं सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ मैं बात कर रहा हूं स्पीड, यानी कि बड़ा फास्ट होना चाहिए जो भी प्रोटोकॉल यहां पर अप्लाई हो रहा है। और साथ ही साथ भैया यहां पे जो सबसे बड़ी मुद्दे की बात निकल के आती है वो है स्केलेबिलिटी, वो स्केलेबल भी होना चाहिए ओके। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इन द ब्लॉकचेन। उसके बाद आता है वेरीफाई, उसके बाद आता है वेरीफाई, ऑब्वियसली बात है जैसे कि मैंने एग्जांपल नंबर 2 में बताया था कि अब देखो बी के पास 100 रुपए है, बी के पास 100 रुपए ये सबको पता है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन कर रहा है 150 का, है 100 कर रहा है 150 का ट्रांजेक्शन, तो क्या ये अलाव होना चाहिए, इज इट अ वैलिड, क्या वो वैलिड है, तो यहां पे वेरीफाई होता है। कौन वेरीफाई करता है, जितने भी उस प्लेटफॉर्म पे उस नेटवर्क में जितने भी आपके जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, पार्टीज हैं, जो कहना चाहो वो आप कह लो, वो एक तरीके से वेरीफाई करते हैं कि भैया ये जो भी ट्रांजैक्शन चल रहा है क्या ये वैलिड है ओके, तो उसे वेरीफाई यहां पे किया जाता है, उसके बाद ही वो ट्रांजैक्शन या इंफॉर्मेशन शेयर या कमिट होती है आपके ब्लॉकचेन में, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट वाले बात पे, परमानेंट। परमानेंट मतलब देखो यार वेरीफाई कर लिया, कमिट कर लिया उस ट्रांजैक्शन को, इंफॉर्मेशन को एक तरीके से हमने क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया, उसके बाद जो आपके वो ब्लॉकचेन में जाके बैठ जाती है ना इंफॉर्मेशन, जो भी ट्रांजैक्शन, वो परमानेंट हो जाती है, मतलब इट इज परसिस्टेंट, वो वहां पे परमानेंट हो जाती है, इट इज टेम्पर प्रूफ भी आप इसको एक तरीके से कह सकते हो। सो दीज आर ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सारे कीवर्ड्स मिलके आपका यहां पे एक ब्लॉकचेन का डेफिनेशन बनाते हैं कि ब्लॉकचेन इज नथिंग बट यू कैन से इट इज अ ओपन काइंड ऑफ
डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, एक ओपन काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, ओके, जहां पे जो भी ट्रांजैक्शन या इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो सब कुछ बड़ा एफिशिएंटली होना चाहिए, साथ ही साथ वो वेरीफाई भी होना चाहिए, इट शुड बी ऑल्सो वेरीफाइबल एंड प्लस दैट इंफॉर्मेशन इज बींग स्टोर्ड परमानेंटली। ये आपको सारी बातें जो है समझनी है व्हेन इट कम्स टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो के जरिए ब्लॉकचेन की और बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, आपकी मदद हो गई होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।